संत मत्ती के सुसमाचार से पाठ अध्याय 13। ईसा के शिष्यों ने आकर उनसे कहा, आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, ये इसलिए कि स्वर्गराज्य का भेद जानने का वरदान तुम्हें दिया गया है, उन लोगों को नहीं। क्योंकि जिनके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उन्हें दृष्टांतों में शिक्षा देता हूँ क्योंकि वे जानते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी न सुनते न समझते हैं। और प्रभु का आज के लिए वचन जो है वो आगे भी है, लेकिन आज मनन के लिए हम इतना ही प्रभु का वचन लेते हैं। प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं कि तुम्हें स्वर्ग राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है, लेकिन सबको ये वरदान नहीं दिया गया है और इसलिए वह दृष्टांतों में शिक्षा दिया करते हैं। क्योंकि आज का इस पाठ के पहले प्रभु बोने वाले का दृष्टांत सुनाते हैं और आज के पाठ के बाद का जो भाग है संत मत्ती के सुसमाचार से, उसमें वे उस दृष्टांत की व्याख्या समझाते हैं। और इसी प्रकार प्रभु अनेक दृष्टांतों से ही वह समझाते हैं और लोगों को शिक्षा दिया करते हैं। एक प्रकार के बताए जाए कि दिस इज द स्टाइल ऑफ जीसस पैरागोगी, उनको सिखाने का तरीका यही होता है कि प्रभु दृष्टांत सुनाते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं और उसके द्वारा बहुत कुछ अपने शिष्यों को एवं अन्य लोगों को समझाते हैं। सबको अपने अपने तरीके से सिखाने की एक कला होती है, एक रुचि होती है। प्रभु का यह एक प्रकार की उनके स्टाइल था जहाँ पर वह दृष्टांतों को बहुत इस्तेमाल किया करते थे। तो यह प्रथम सवाल था, लेकिन हमारे मनन के लिए मैं सिर्फ ये वचन को लेना चाहूँगा, क्योंकि जिनके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा और जिनके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। प्यारे भाई और बहनों, मैंने अपने जीवन में अक्सर इस बात को सत्य होते देखा हूं। हम सेविकाई करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप भी हमारे संग हैं और एक प्रकार से बताया जाए कि आत्मदर्शन की तरक्की आपने आपके नजरों से देखी है और हमने ये अनुभव हर वक्त किया है, प्रभु सबको संभाल लेता है, सबकी व्यवस्था करता है। मैं शायद पहले भी आप सबों को बताया हूं कि इस तरह का एक मीडिया हाउस चलाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है और बहुत थोड़े से मुझे मदद हमारे धर्म प्रांत से प्राप्त होता है। और उसके बाद भी हमने प्रभु के लिए जो कार्य करने की जो भी योजना बनाई है वो बड़े सुंदर तरीके से संपन्न हुआ है। कभी उस पर फिनेंशियल ट्रबल्स कोई समस्या नहीं बना है। अगर आप में से कोई आत्मदर्शन आए तो भी देखेंगे आपको कि आत्मदर्शन देखने से वहां पर कोई कमी होगी ऐसा आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि किस तरह मैं हर दिन फूक फूक कर कदम रखता हूं। लेकिन प्रायतः मैं आप सबों के साथ में मैं भी गवाही के रूप में ही बताना चाहूंगा, कभी प्रभु ने कोई कमी हमारे लिए नहीं रख छोड़ी है।
जो भी योजनाएं बनाए हैं उन तमाम योजनाओं को बहुत सुंदर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह प्रदान किया है। इसलिए आज का पाठ सुनते समय मैं काफी देर मनन करता रहा कि मैं क्या आप सबों के साथ में साझा करूं। फिर मेरी नजरें इन वचनों में घड़ी जहां पर यह बताया गया, जिनके पास है उसी को और दिया जाएगा। यह नहीं है कि मेरे पास में बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास में इस प्रकार के एक दिल जरूर है जहां से मैं देना बहुत पसंद करता हूं, और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, और 100% मैं आप सबों के सामने एक गवाही दे सकता हूं कि प्रभु ने जितना मैं देता हूं उससे बहुत ज्यादा बढ़कर हमें प्रदान किया है। अगर कोई भी आत्मदर्शन का इस सक्सेस के मुख्य कारण ढूंढे तो उन सबों को यह बात बताना चाहूंगा कि हमने प्रभु के लिए सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत और सबसे पसंदीदा चीजें देने की हर दम कोशिश की है, और इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई वहां पर सीमाएं नहीं रही है। अगर किसी भी प्रोग्राम को हम जब डिजाइन करते हैं वहां पर धन के कारण हमने कुछ कम किया हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ईश्वर की महती कृपा है। मैं हर दम इस चीज को मेरे जीवन में अनुभव किया, हालांकि मुझे बहुत डिफिकल्टी से गुजरना हर रोज पड़ता है, लेकिन प्रभु ने हर दम उनकी आशीष मेरे जीवन में किया है। एक छोटी सी बात को मैं इसके साथ में जोड़ना चाहूंगा जो मैं पर्सनली सबों को कहता हूं कि हम जब इस मिनिस्ट्री के शुरुआत में थे, कोविड के पहले दौर पर था, तो हमारे पास में एक बजाने के लिए अच्छा कैसियो नहीं था, एक कीबोर्ड नहीं था। जो था वो बहुत पुराना था और उससे बजाना मेरे बच्चों को पसंद भी नहीं था इतना। हमारे पास में किसी का थोड़े समय के लिए हमारे पास में एक कैसियो प्राप्त हुआ था, लेकिन अचानक उस व्यक्ति ने उस कैसियो हमारे पास में से ले गए और हम काफी उदास हो गए। और यकीन मानिए प्यारे भाई और बहनों, ये मेरी गवाही है और ये मेरा फेथ स्टेटमेंट है इससे कि प्रभु हर वक्त अपने लोगों को संभालता, उसके लिए मैं साक्ष्य देना चाहता हूं। जैसे मैंने इन तमाम लोगों के चेहरे देखे बहुत उदास, तो मैंने पूछा कि कौन सा कैसियो आप लेना पसंद करेंगे, तो जो कैसियो उन्होंने सजेस्ट किया था उसका तकरीबन एक्सपेंसेस 1.5 लाख का था, और मैंने देखा कि मेरे बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं था, 10-20 हजार रुपये होंगे। फिर भी मैंने उस समय मैंने उनसे कहा था चलो उसको हम ऑर्डर करते हैं, अब किसी भी हालत में ये विश्वास नहीं करेंगे। और जिस दिन मैंने इस बात को, इस चीज़ को ऑर्डर किया, और शाम को जाते समय सोने के पहले मैंने जब मेरे बैंक बैलेंस चेक किया, वहाँ पर टोटल 1,60,000 डोनेशन के रूप में हमें प्राप्त हुआ था, 1,60,000। जो ऑर्डर हुआ था उसका पूरा खर्चा 1.5 लाख का था और 10,000 एक्स्ट्रा भी। प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछलियों को तोड़कर जिस तरह से लोगों के बीच में बांटा और उसमें से 12 टोकरे जैसे बच गया, तो मैंने सोचा कि प्रभु ने 10,000 रुपए उसी हिसाब से हमारे लिए ज्यादा रखा है। प्रभु की महिमा है, प्रभु की कृपा है और उनका आशीष का यह पर्याय है। प्यारे भाई और बहनों, मैं इसलिए ये बात आप सबों के सामने रखता हूं कि ये सेविकाएं करते हुए मैं हरदम इस बात को अनुभव किया हूं। हर वक्त जब महीने की शुरुआत होती है मेरे लिए बहुत तकलीफ होती है, मुझे सैलरी देना होता है, उसके बावजूद भी कि कैसे इस सैलरी को मैं मेरे बच्चों को दूं, उसके बावजूद भी प्रभु ने सब प्रबंध किया है अभी तक। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और इसके लिए भी मैं प्रभु से शुक्रगुजार हूं कि वह हर समय उन पर पूरा विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए मुझे विश्वास प्रदान किया है। यही मेरी ताकत है, यही मेरा
विश्वास है कि प्रभु सबका प्रबंध करता है। जब इन वचनों को मनन करते समय मैंने सोचा इस पर जरूर मेरी गवाही के साथ में मुझे मेरा साक्षी रखना चाहिए कि प्रभु ने जो कहा है कि जिनके पास जो है उनको और दिया जाएगा और उनके पास बहुत हो जाएगा। हमारी सेविकाई को देकर आज मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रभु ने हमारे थोड़े पर बहुत आशीष दी है और ईश्वर की कृपा से आज इस सेविकाई आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सबों का योगदान भी उस पर हरदम हमें प्राप्त हुआ है। हम प्रभु के सामने शुक्रगुजार है। हमारा सिर धन्यवाद स्वरूप झुक जाते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। आइए हमारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के चरणों में रखें।